अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.13 शेयर कर रही हूँ। इसमें उन्होंने सवाल में लिखा हुआ है 7 किलो उसने आलू लिए 140 रुपये के। अब उसने 12 किलो आलू लेने हैं लेकिन उसकी कीमत का नहीं पता, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, लेट दी रिक्वायर्ड कॉस्ट, जो हमें कीमत नहीं पता उसकी जगह आपने एक्स लिख देना है, ठीक है। पोटैटो और कॉस्ट है। पोटैटो पहले उसने 7 किलो आलू मिकदार 7 किलो लेने हैं लेकिन उसकी कीमत कितनी है 140। अब उसकी मिकदार बढ़ाती है यानी कि 12 किलो आलू लेने हैं और वो कितने के हैं वो हमें नहीं पता, वो एक्स है। पहले कम थी मिकदार उसकी, कम थी तो कीमत भी कम थी। अब मिकदार ज़्यादा है तो मिकदार ज़्यादा है तो कीमत भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। ये मेरी जिससे आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपने लिखना नहीं है। तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि ये जो एक यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है दूसरी भी उसी मकदार से बढ़े, या अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी उसी मकदार से कम हो। तो ये देखें, ये उसी तरह का है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है इसकी, जो इसको बोलना है आपने हेड और इसको बोलना है टेल। जो हेड वाली वैल्यूज़ होंगी उसको हमेशा आपने नीचे लिखना है और जो टेल वाली वैल्यूज़ होंगी उसको आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। तो टेल इसमें 12 है, इसका टेल एक्स है, वो ऊपर आ जाएगा। हेड इसका 7 नीचे और इसका हेड 140 वो नीचे, ठीक है। ये हमने वैल्यू सेम नीचे लिख देनी है। 140 यहाँ डिवाइड हो रहे थे जाके, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 बनता 7, 7 टू था 14, 0 बचा 0 पर आ जाएगा। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, एक्स इक्वल है 240, ठीक है। अब देखें, इसमें हैं 10 हॉर्सेज हैं, उसकी खुराक जो रोज़ाना की खुराक है वो कितनी है, 12 kg एंड 400 ग्राम। अब इसी सेम इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडिड फॉर 16 हॉर्सेज। अब 16 घोड़ों को कितनी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी इसी सेम प्रपोर्शन वाले, ठीक है। 16 घोड़ों को अब कितनी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, लेट द रिक्वायर्ड फूड आमने लिखते हैं एक्स। नंबर ऑफ हॉर्सेज इधर है मैक्स ऑफ फूड, नंबर ऑफ हॉर्सेज 10 है, मैक्स ऑफ फूड 12 एंड 400 ग्राम। अब ये चीज़ हॉर्सेज पहले कम थे तो उनकी खुराक भी कम थी, अब हॉर्सेज की मकदार क्या होगी बढ़ाती यानी कि 16 है तो उनकी फूड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अब हमने फिर से क्या करना है, टेल वाली वैल्यूज़ ऊपर लिख देनी है 16 एंड एक्स, और हेड वाली वैल्यूज़ हमने नीचे लिखनी है 10 एंड 12,400, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स अपनी जगह पर देगा, ये वाली वैल्यूज़ भी, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 0 से कट गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 1,240, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 19 किलोग्राम एंड 840 ग्राम, ठीक हो क्या। तीसरा सवाल है द कॉस्ट, इसमें क्या करना है आपने, उनके पास फलियों के दाने की जो उन्होंने फलियां लेनी है 16 क्वांटल ऑफ बीन्स, ठीक है, उसकी वो कितने की है 40,400। अब हाउ मच विल फोर, ये देखें, अब इसमें क्या है 16 क्वांटल ऑफ बीन की जो कीमत है 40,400। अब 4 क्वांटल की कीमत क्या होगी हमने फाइंड करनी है। तो देखें, लेट दी रिक्वायर्ड प्राइस, हमें प्राइस का नहीं पता उसकी जगह हमने एक्स लिख देना है। क्वांटिटी ऑफ बीन पहले 16 थी, उसकी प्राइस क्या थी 40,400, यानी कि ये चीज़ ज़्यादा है और प्राइस भी ज़्यादा है। अब उन्होंने क्वांटिटी क्या कर दी है, कम कर दी, यानी कि 4, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी कम। तो ये हमारा कौन सा प्रपोर्शन होगा, डायरेक्ट। अब हमने फिर से टेल वाली वैल्यूज़ यानी कि टेल, ये टेल वाली वैल्यू 4 है, इधर से टेल एक्स है, ये हमने ऊपर लिख देना है। हेड वाली वैल्यूज़ नीचे उतार देनी है, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हमने कटिंग कर देना है, ठीक है, 4 के टेबल में, 4 4 10 16, 4 10 10 40, 4 10 10 40 0 ऊपर चला गया, 4 1 10 4, 4 1 10 4, तो 10,100 इसका आंसर है। अब आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, उनके पास एक बॉक्स ऑफ स्वीट का है 24 बच्चों में, वो उन्होंने वो डिवाइड करनी है और हर बच्चे को 5 जो स्वीट्स हैं वो मिलनी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अगर 24 बच्चों में से 4 बच्चों निकाल दिए जाएं तो फिर कितने बच्चों को स्वीट्स मिलेंगी, तो इसको हम हल करते हैं। आपने क्या करना है, लेट्स नंबर ऑफ़ स्वीट्स क्या है एक्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है नंबर ऑफ़ स्वीट्स। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखें पहले क्या है, 24 पहले ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ स्वीट्स उनको क्या मिली हैं, कम मिली हैं 5। अब उन्होंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, और नंबर ऑफ़ स्वीट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा, इनवर्स।
इसमें भी हमने जो टेल वाली वैल्यूज होंगी वो ऊपर लिखनी है। टेल इसमें 24 है, वो ऊपर आ गया, इधर से का टेल एक्स है वो नीचे, हेड 20, इधर से हेड आएगा 5 वो नीचे, ठीक है। अब हमने 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 24, तो 6 इसका आंसर है। 6 स्वीट्स यानी कि 20 बच्चे, यानी कि उन्होंने कम कर दिया तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ गई हैं, तो 6 स्वीट्स उनको मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगर दो आदमी हैं वो 10 दिनों में एक दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, तो सेम काम जो है 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ठीक हो गया। दो आदमी हैं 10 दिनों में एक दरख्त काटेंगे, तो 4 आदमी सेम काम यानी कि इस ये सेम काम कितने दिनों में करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। लेट दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़, उनको हम एक्स लिख देंगे, नंबर ऑफ़ मैन और नैन नंबर ऑफ़ डेज़। अब देखें पहले मैन की तादाद कितनी थी, 2 कम थी, तो डेज़ क्या थे, ज़्यादा थे। अब उन्होंने मैन की मकदार ज़्यादा कर दिया, 4 कर दिया, तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हमने इसमें भी ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इन्वर्स होगा। ये देखिए, ये हमने लिखने नहीं है साइड वाले, बस समझाने के लिए मैंने आपको साइड पर लिखवाए हैं, ठीक है। अब इसमें टेल वाली वैल्यूज ऊपर लिख देनी, इधर से 2, इधर से एक्स, और यहाँ पे हेड वाली वैल्यूज 4 है, इधर से हेड वाली वैल्यू 10 है, 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4। अब हमने क्या करना है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 5, 5 days इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये हल करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अगर एक पर्सन है वो 10 डेज़ में एक गार्डन है, एक बाग है, ठीक है, उस पर वो एप्पल्स को क्या करेगा, तोड़ेगा, एक शख्स 10 दिनों में, तो हाउ मैनी डेज़ विल टेक 5 पीपल टू पीक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन, तो 5 लोग जो हैं इस गार्डन, मतलब एक गार्डन है उसमें एप्पल्स को तोड़ने के लिए 5 आदमी को कितने दिनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए आए देखते हैं। इसमें क्या करना है, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़, वो हमने एक्स लिख देना है, नंबर ऑफ़ मैन एंड नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ मैन 1 है, नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है, 10, ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ़ मैन की मकदार क्या कर दी है उन्होंने, बढ़ा दी है, 5 लोग कर दिए हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये देखें, एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ क्या है, ज़्यादा है, तो एक दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम होगी, तो ये हमारा इन्वर्स। इन्वर्स की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो, या अगर एक कम हो रही है दूसरी क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमारा इन्वर्स होगा। इसमें हमने टेल की वैल्यू ऊपर 1, इधर से टेल आपका एक्स है वो ऊपर आ जाएगा, हेड आपका 5 है वो नीचे, हेड इधर से 10 नीचे, अब 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो 2 × 1 = 2, 2 इसका जवाब है, 2 डेज उनको लगेंगे 5 आदमियों को, वो एक गार्डन है उसमें एप्पल्स को तोड़ने में उनको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा, अगर एक आदमी है उसको 7 दिन लगेंगे एक हाउस को साफ़ करने के लिए फ्रॉम बग कीड़ों को, हाउ मैनी डेज़ विल टेक 7 पीपल, अब 7 लोगों को, अब पहले एक आदमी था उनको 7 दिन लगे थे एक घर को साफ़ करने के लिए, ठीक है, अब उन्होंने लोग बढ़ाती हैं, 7 लोग कर दिए हैं, तो अब उनको घर साफ़ करने में कितने डेज़ लगेंगे, तो इसको देखते हैं। आपने क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड डेज, डेज हमें नहीं पता तो एक्स लिख देने हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन एंड नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ पर्सन इसमें पहले 1 थे, अब नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो गए, 7, यानी कि पहले कम थे तो अब बढ़ा, डेज़ क्या थे, ज़्यादा थे, अब उन्होंने पर्सन बढ़ा दिए, 7 कर दिया, तो डेज़ क्या हो गए, कम हो गए, ये चीज़ कम है तो ये ज़्यादा है, और अगर ये अब ज़्यादा है तो ये कम है, तो ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इन्वर्स। टेल इसमें 1 ऊपर, इसकी टेल एक्स ऊपर, हेड इसका 7 वो नीचे आएगा, इसका हेड 7 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7, ठीक है, तो 1 × 1 = 1 डे, यानी कि 7 लोगों को घर साफ करने में कितने दिन लगेंगे, एक ही दिन लगेंगे, ठीक है क्या। ये हमारा था एक्सरसाइज 1.13। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।